आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। वाराणसी के ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी को लेकर आज दायर याचिकाओं की पोषणीयता यानी कि सुनने योग्य है या नहीं, इस मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की और कहा कि वर्शिप एक्ट 1991 इसकी इजाजत नहीं देता। वहीं हिंदू पक्ष ने यहां पर अपनी दलीलें हालांकि नहीं रखी हैं, अगली सुनवाई जब होगी तब उसमें हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। आज मुस्लिम पक्ष को पूरा समय दिया गया अपनी दलीलें इसमें रखने का और वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी, अगली तारीख कोर्ट ने दे दी है। उधर ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे से जुड़ी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ की कॉपी वादी और प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराने के जल्द ही आदेश जो है कुछ शर्तों पर कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी वकीलों की तरफ से दी गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो रिपोर्ट जारी करने के पक्ष में नहीं है और रिपोर्ट जारी नहीं करने की मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा है। अब इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मुस्लिम पक्ष को इससे ऐतराज क्या है। उधर ज्ञानव्यापी सर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग को लेकर दायर वाद पर सुनवाई आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई है और इसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि 4 बजे तक ये कहा जा रहा था कि फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई अहम अपडेट यहां पर सामने नहीं आई है। अभी फैसले का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 26 मई को इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने वाराणसी जिला कोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा था कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि शिवलिंग में 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया जिससे औजार से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, वो मस्जिद के स्टोर रूम में से मिला है। और वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है, ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है, जिस पर वाराणसी जिला कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब इसमें अगली तारीख 4 जुलाई की दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर अपना पूरा पक्ष रखा है और वहीं अब सवाल यह है कि क्योंकि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी कई याचिकाओं पर जो है सुनवाई हुई है, कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस पर फैसला जल्द देगा, 4 बजे तक का समय तय था लेकिन अभी तक अपडेट सामने नहीं आई है। और इसमें अब सवाल यह है कि पूजा की इजाज़त के बाद अब मालिकाना हक देने की मांग जो है यहाँ पर वो हिंदू पक्ष की तरफ से तेज कर दी गई है। ज्ञानव्यापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश बंधित हो, ये एक मुख्य मांग है। ज्ञानव्यापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, ये भी एक मुख्य मांग है जिस पर फैसला आना है। और वहीं सर्वे में मिली शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति यहां पर मांगी गई है। तो तमाम मांगे जो है वो तेज हो गई, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कंचन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गई है, वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ गई हैं और वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो सभी का मैं स्वागत यहां पर करना चाहूंगी और एक बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का अभी फैसला नहीं आया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द ही 3-4 जो याचिकाएं हैं उन पर अपना फैसला देगा। हालांकि 4 बजे तक का ये कहा जा रहा था कि 4 बजे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला इस पर देगा, लेकिन अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन जिला कोर्ट ने जो है सुनवाई 4 जुलाई तक के लिए फिलहाल अभी टाल दी है और इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से पक्ष रखा गया और जो हिंदू पक्ष की तमाम जो दावे थे दलीलें थी उन पर कहीं ना कहीं यहां पर जो है मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। और इसमें बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे कि मुस्लिम पक्ष ने यहां पर साल 1937 के दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के मुकदमे का निर्णय पढ़ा है और कहा कि अदालत ने मौखिक गवाही और दस्तावेजों के आधार पर फैसला किया था कि यह पूरा परिसर मुस्लिम वक्फ का है और मुसलमानों को इसमें नमाज अदा करने का अधिकार है। तो ये दलील यहां पर आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर कई मेहमान जुड़े हुए, परिचय हमने आपसे करा दिया। सबसे पहले तो मोहम्मद तारिक काफी के पास मैं आना चाहूंगी, यहां पर जिस तरीके से अभी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है जो तमाम दलीलें यहां पर दी गई और उसमें यहाँ पर एक अहम जानकारी यह है कि दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव के मुकदमे को यहाँ पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों के तौर पर रखा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो रिपोर्ट है उसको जारी नहीं करने की एक आपत्ति मुस्लिम पक्ष को है, क्यों इस पर आपत्ति जताई जा रही है? इस पर ऐसे अगर आपत्ति जताई जाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे। नहीं, अब आपत्ति जनाने के पीछे कानूनी मामला क्या है, वो जो उनके वकील हैं मुस्लिम पक्ष के यादव जी, मैंने उनको सुना है कि अब वो जो रिपोर्ट है वो दोनों को सौंपने के लिए तो कोर्ट ने कह दिया है दोनों पक्ष को। आप उसी रिपोर्ट की बात कर रही हैं ना? जी जी, सर्वे रिपोर्ट, ज्ञानव्यापी की रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी
और फोटोग्राफ्स को कोर्ट ने तो दोनों को देने को कह दिया है, लेकिन उसको सार्वजनिक ना किया जाए, तो मुझे लगता है ये तो बेसिकली सीधे सीधे कोर्ट की गोपनीयता को बनाए रखने का भी एक विषय है। ये जिम्मेदारी दोनों पक्ष पे भी आती है कि अगर कोई कोर्ट में कोई मामला है और उसकी कोई जांच की रिपोर्ट है तो वो आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप खुद मुतमईन हो जाएं कि कुछ भी चीजें उसमें गलत नहीं हुई है। तो दोनों पक्षों को दे दिया गया है, अब वो उसमें देख लें कि उसमें कोई टेम्परिंग तो नहीं है। मुझे लगता है शायद यही ये भी एक वजह होगी। नहीं, अभी दिया नहीं है, कुछ शर्तों के आधार पर जल्द ही दिया जाएगा। देने को कहा है, जी जी, कुछ शर्तों के आधार पर जल्द ही देने को कहा है, लेकिन इसमें आपत्ति क्यों जताई जा रही है अगर चीजें क्योंकि क्लियर हैं और आप मतलब मुस्लिम पक्ष भी अगर चीजों को लेकर पूरी तरीके से पुख्ता है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो फिर इसमें आपत्तियां किस लिए? ठीक है, आने दीजिए रिपोर्ट सबके सामने। ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये मामला वकील के जो वकील साहब हैं उनके उनके अधीन होगा। उनकी उन्होंने अपने समझ से कोर्ट में दोनों पक्ष कहां पर उनका मुकदमा मजबूत हो सकता है उसको ध्यान में रखकर दलीलें दी जाती हैं। अब कुछ ना कुछ इसकी भी वजह रही होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां के जो वकीलों का पैनल है जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुकदमा लड़ रहा है उसको ये लगा होगा कि यहाँ पर अगर ये रिपोर्ट यहाँ पर जाती है तो किसी तरीके की कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने, अब वो माने ना माने ये तो कोर्ट का अपना निर्णय, हर फैसला तो कोर्ट अपने हिसाब से लेता है। और वहां पर उन्होंने दीन मोहम्मद के केस की भी बात की जहां पर हिंदू पक्ष कहता है कि बहुत से लोगों ने गवाही दी, गवाही जरूर बहुत से लोगों ने दी थी, मगर फाइनल जजमेंट जो था कोर्ट का, फाइनल जजमेंट जो था कोर्ट का, वो वहां पर मुस्लिम पक्ष ने ही मांग की थी कि ये पूरा परिसर ही हमारा है, मगर कोर्ट ने ये कहा था कि परिसर नहीं, ज्ञानव्यापी मस्जिद आपकी है। तो वहीं से डिफाइन कर दिया जाता है मस्जिद की डिफिनीशन, जो दीन मोहम्मद वाला केस है वही मस्जिद की जो डिफिनीशन है डिफाइन हो जाती है कि ये मस्जिद की डिफिनीशन है और ये मस्जिद का परिसर है। तो उस मस्जिद के परिसर पे जैसे जो दूसरी याचिका अभी आपने भी बताई, मैं भी पढ़ रहा था कि मस्जिद को सौंपा जाए, वो तो सीधे सीधे भी सुनने लायक नहीं है मुकदमा, क्योंकि वो भी वायलेशन होगा एक्ट का, जो उपासना का एक्ट है उसका वायलेशन होगा। तो उस याचिका को भी पहले उसका जो रूल 7-11 या जो भी है इस तरीके से उसको सुनना पड़ेगा कि क्या ये मांग वैलिडेट होती है, क्योंकि कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ी जाएगी जिस तरीके से चल रही है, कि क्या ये जो दूसरी याचिका कई लोगों ने जो डाली है कि जिसमें उन्होंने 2-3 मांगे की हैं कि परिसर हमको सौंपा जाए। अभी आपने भी बताया कि अभी ठीक है तारिक जी, यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि अभी जिला कोर्ट की तरफ से यही नहीं तय हो पाए कि ये मामला जो है सुनने योग्य है या नहीं, इस पर अगली तारीख आ गई है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से क्या इन 3 याचिकाओं पर फैसला आ पाएगा? इसके लिए हम रुख कर लेते देवेंद्र वार्ष्णेय का, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभी इसी के वैलिडेशन की बात हो रही है पहले। ठीक है, देवेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। देवेंद्र जी जरा बताएं यहाँ पर कि क्योंकि जिला कोर्ट की तरफ से तो अगली तारीख 4 जुलाई की दे दी गई है और यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया क्या है फास्ट कोर्ट ने यहाँ पर अपना फैसला, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि क्या उन याचिकाओं पर फैसला आ सकता है या वो भी आगे सुनवाई अब इस पर आगे टाली जा सकती है, आगे तारीख दी जा सकती है? देवेंद्र जी, 30 मई है और शाम के 4 बज चुके हैं, 4:30। कल का दिन तेज है क्योंकि सिविल न्यायालय जो है वो बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये तो न्यायालय का काम है कि अगर कल तक जजमेंट दे सकती हैं, कल तक जजमेंट आ सकता है, कल तक कोई जजमेंट आ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज तो जो है वो जुलाई में इस मामले का निस्तारण संभव है। नहीं, लेकिन जो 3 याचिकाएं हैं कि वहां पर मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए और इसको पूरा जो ज्ञानव्यापी परिसर है वो हिंदू पक्ष को सौंपा जाए, इन याचिकाओं पर क्या अभी संभव हम कह सकते हैं आज की या अभी थोड़ी देर बाद या कल तक इसमें कोई फैसला कोर्ट दे? फास्ट ट्रैक कोर्ट की मैं बात कर रही हूँ जी। मेरी राय ये है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और ऐसा कोई आदेश अभी शायद सिविल जज की ओर से ना दिया जाए। ठीक है, संजीव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। संजीव जी जरा बताएं, कोई अपडेट मिल पा रही है क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को लेकर? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है लगातार सुनवाई चल रही है। आज सेशन कोर्ट में सुनवाई थी मालिकाना हक को लेकर, जो परिसर है, जो शिवलिंग जहाँ पर मिला था, हालांकि दोनों पक्षों के अलग अलग मानना है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनका मानना है कि ये फव्वारा है, लेकिन
सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल जो इस समय राजनीतिक चर्चा का विषय बना है, क्या जो आक्रांता थे, जो लुटेरे थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, जिन्होंने हिंदुस्तान का सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किया, कि आज हमें सुधारने की जरूरत नहीं है? क्या दोनों समुदाय के लोग आगे आए और ये बहस की चर्चा का विषय अलग भी बने कि जो गलतियां आक्रांताओं ने, लुटेरों ने की हैं, या फिर औरंगजेब को हम हिंदुस्तानी माने या फिर उनको शासक माने या फिर लुटेरा माने, ये बड़ी बहस है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस तरीके का निर्दयी व्यवहार उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया, जिस तरीके की सभ्यता और संस्कृति को हिंदुस्तान में बर्बाद किया, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग को भी सामने आकर एक सामाजिक जो ताना बाना है उसको बनाए रखने की जरूरत है। प्रीति, ठीक है, तारिक जी जरा इस पर गौर करिए। जिस तरीके संजीव जी ने पूछा है कि जो गलतियां पहले आक्रांताओं ने की, क्या अब उनको सुधारने की जरूरत है, उनको सुधारा जाना चाहिए? फिर उसके बाद कंचन जी के पास चलेंगे इस पर। मेरा बहुत छोटा सा इस बात पे स्टैंड रहता है और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कपासिया जी की बात से कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आप लास्ट जो मुगल शासक थे, पहला मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद लास्ट आप आ जाइए बहादुर शाह जफर, इनमें से जितने भी रूलर या इन्वेडर आए, रूलर कह लीजिए मुगल रूल किए थे और इन्वेडर जो आके चले गए थे या जो भी कह लें उसको, अगर इन लोगों ने कुछ भी बनाया है जिसपे आपको संदिग्ध लगता है कि इन चीजों पे हमारे धार्मिक स्थल थे, मेरा कहने का मतलब है शुरुआत वहां से मत कीजिए जहां हमारी आस्था जुड़ी हुई है। आपकी आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था मस्जिद से जुड़ी हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर लगता है तारिक मोहम्मद जी, क्या आप औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं? और सवाल ये भी है, हम लोग बिल्कुल तैयार है वहां से, और अगर बाद में लगता है कि यहाँ पर भी, क्योंकि मामला कोर्ट में ऑटोमेटिक चला गया है और अपने आप वहां पर हो रहा है, अगर यहाँ भी लगता है तो इनको भी लेके आइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ 3000 उन्होंने किले बनाए, महल बनाए और 3000 से ज्यादा मॉन्यूमेंट उन्होंने बनाए, मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं उनको जांच के दायरे में लाया जाए। अगर वो आक्रमणकारी थे, हो सकता है वहां पर भी उन्होंने बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉय कर बनाई हो, तोड़ी हो, वहां पर इस तरीके की खोजबीन की जाए। आस्था जहां पर जुड़ी हुई है, बहुत विनम्रता से ये बात कह रहा हूँ। लेकिन संजीव जी पूछ रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब लुटेरे थे? मैम, जब मैं कह रहा हूँ इस बात की तस्दीक जब होती है, इस बात की तस्दीक जब हिस्ट्री लिखने वाले लोग कहते हैं कि उनका फरमान था कि जहां से हमारे खिलाफ, अगर मंदिर से भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए या उसको तोड़ा जाए, जो भी है, इसके हिस्ट्री में साक्ष्य मिलते हैं, इससे इनकार नहीं। हिस्ट्री अगर बहुत ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द हिस्ट्री लिखने वाले लोग एक तरफ होते हैं तो उसको मानना पड़ता है। वो मानने के साथ साथ ये भी है कि उन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया। मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान मक्का मदीना, उसके बाद मस्जिद, उसके बाद जहां उनकी दरगाह होती है और उनके मदरसे, पांच के अलावा मैम छठा नहीं है, पांच के अलावा छठा नहीं है। मैं कह रहा हूं ये इन्वेडर्स थे, इन्होंने बहुत कुछ बनाया था। मस्जिद को भी आप दायरे में ले आइए, हमें एतराज नहीं है, लेकिन उसको लास्ट रखिए। आप हायरार्की यहां से क्यों नहीं शुरू करती है? पूरा मुस्लिम संगठन आपके साथ आएगा, हम समर्थन ठीक है, ठीक है। कंचन जी का रुख कर लेते हैं। कंचन जी, यहाँ पर धार्मिक स्थलों से ही क्यों शुरुआत की जा रही है? पहले जो आक्रांता थे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें कब्जाई थी, तोड़ी थी, बनाई थी, तो वहां से क्यों नहीं शुरुआत की जाती? तारिक जी का सवाल जवाब दीजिए। जी बिल्कुल प्रीति जी, अगर मैं बात करूँ ना, जिस प्रकार से हम प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बहुत हंसी भी आ रही है कि वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए वो 3000 की बात कर रहे हैं, अगर ये थोड़े से भी उस बात पे रहते होते या फिर जैसा बोलते हैं वैसा कहते होते, करते होते या उस पे अमल करते, तो 3000 तो बहुत होते हैं। यहाँ पर तो केवल 3 पे लड़ाई है, मथुरा पे, काशी पर और अयोध्या पर, उसमें भी तो आपने घमासान मचा के रखा हुआ। 3000 कहाँ सर्च कर दे देंगे? एक सर्च नहीं करने दे रहे हैं, काशी में सर्च नहीं करने दे रहे हैं, वहां पे सर्च जाता है कोर्ट की तरफ से, तो आप कहते हैं नहीं वो होना नहीं चाहिए, उसको रोक देते हैं। इसके बाद में कहते हैं नहीं ये चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जब सार्वजनिक कोई चीज होती है या फिर कोई दूसरा पक्ष उसके लिए डरता है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, वहां पर कुछ ना कुछ दबाया जा रहा है। वरना जो चोर नहीं होता ना, वो यही कहता नहीं आप मेरी सर्च कर लो, आप मुझे देख लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर फिर इल्जाम लग जाए, सिर्फ खुद कहता है नहीं मेरी सर्च कर लो। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमारे दूसरे पक्ष के लोग कि नहीं सर्च मत करो, कुछ भी मत करो, बस मान लो। और दूसरी बात ये लोग कहते हैं हम लोग तो बहुत ही भाईचारा मानने वाले हैं, लेकिन अगर भाईचारे वाली बात होती तो फिर आप कोर्ट नहीं जाते ना, नहीं जाने देते। हम लोग एक आंगन में बैठ करके
आराम से इन चीजों को सुलझा लेते, लेकिन नहीं, आप लोग तो इन चीजों को मानते ही नहीं, सिर्फ बोलते अकेले हैं। और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा प्रश्न करना चाहूंगी हमारे सपा के प्रवक्ता से, क्या वो जानते भी है कि हमारे हिंदुस्तान में हमारी धार्मिक किताबों में कितना कुछ ज्ञान व्यापी के लिए लिखा हुआ है? क्या कुरान में कहीं लिखा है? क्या ज्ञान व्यापी का कहीं भी नाम आता है? क्या जहाँ पर मस्जिद बनाई गई है वहां पर कुरान में एक भी मस्जिद का नाम आता है? जहाँ पर मंदिर के बगल में आप लोगों ने तोड़कर बनाई, या फिर जो आक्रांता आए उन्होंने तोड़कर बनाई, क्योंकि जो आक्रांताओं को अपना बंसत समझता है वही कहता है कि नहीं नहीं वो मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, या फिर वहां पर शिवलिंग नहीं। मैं यही मानती हूँ कि जो वंशज है तो वही ये इस पक्ष में होंगे, जैसे कि उबैसी, तो मुझे लगता है कि वह या तो भतीजे हैं उनके, या फिर किसी खानदान से ही ताल्लुक रखते होंगे, इसलिए उनको बहुत तकलीफ है। भारत अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा कुछ होने जा रहा है, तो फिर वो होना नहीं चाहिए, इसलिए वो विरोध में हमेशा से आ जाते, जैसे राम मंदिर में थे और फिर काशी में अब आ गए हैं, लेकिन उनका सुनता कौन है, क्योंकि यहाँ तो संविधान चलता है। नहीं, तो वो एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कंचन जी, वो एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि ये धार्मिक स्थलों से ही क्यों, और भी चीजें हैं, और भी किले हैं जो बनाए गए तोड़कर पहले के लोगों ने, तो उन चीजों से क्यों नहीं शुरुआत की? उन्हीं को आप सही कर लो, तब ना वहां तरफ जाएंगे, और वहां जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें केवल तीन से मतलब है, जो भारत है, प्राण, जो हिंदू है उसका प्राण तीन स्थल है, काशी, मथुरा और एक अयोध्या, जो कि वहां पे राम मंदिर बन ही चुका है भगवान की दया से, तो फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तीन चीजें नहीं सौंप पा रहे हैं। आप अगर हमारे भाई हैं, अगर आप हमारे हितैषी हैं, तो आपके लिए जैसे मक्का मदीना है वैसे हमारे लिए राम मंदिर है, वैसे हमारे लिए काशी है, वैसे हमारे लिए मथुरा है। आपसे तीन नहीं छूट रहा, आप 3,000 की बात कर रहे हैं, मुझे इसीलिए ठीक है। तारिक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ताहिरा जी के पास चलते हैं। मैंने 3,000 की जो बात की उसका जवाब, उसका 3,000 मैंने मस्जिदों की बात नहीं की है। मस्जिद मुसलमान के जो धार्मिक ढांचा है, और हमारी यहाँ पर तो आस्था पे भी नहीं टिक रहे हैं, तो फिर महलों की तो बात ही क्या करनी है, वो तो बड़ी चीज है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको केवल तीन से मतलब है, क्योंकि वहां पे हमारा हृदय बसता है, जो हिंदू है उसका हृदय बसता है, इसलिए तीन से मतलब है। वहां तो आप लोग लड़े जा रहे हो, लेकिन हम लोगों को देखो, वहां पर भी हम लोग कोर्ट का रास्ता ले रहे हैं, तो इसका तो समझने वाली बात है कि यहाँ पर कौन सा पक्ष ठीक ठाक है और कौन सा पक्ष अन्याय कर रहा है। भाईचारा जैसा तो कुछ स्थिति बनती नहीं। ठीक है तारिक जी, जवाब दीजिए, रुकिए आप, कंचन जी सुनिएगा। सुन भी ले, आप सत्ता में हैं मगर सुन भी ले। देखिए, मैंने मुसलमानों का जो बेसिक है वो ये है कि भाई उसके लिए मस्जिद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो 5 बार जाता है वहां पर इबादत करने। मैंने जो पहले बात कही वो मैम ने जो भाषा की प्रवक्ता है, मस्जिद की बात ही नहीं है ना, यहाँ मस्जिद की कोई बात नहीं, यहाँ तो फुहारे की बात है ना। मस्जिद थोड़े ना कोई दिक्कत में दे रहा है, ना कोई ये कह रहा है कि मस्जिद तोड़ देंगे, ना ऐसी कोई कहीं बात नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही चीज की बात है, वो ये है कि वहां पर फब्बारा नहीं, वहां पे शिवलिंग है, इसके बाद में जो भी होगा वो कोर्ट फैसला करेगा। नहीं तो अब तो ज्ञान व्यापी परिसर को भी तो हिंदू पक्ष को देने की मांग उठ गई है। पहले पूजा की इजाजत तक की मांग थी, अब मालिकाना हक की मांग यहाँ पर उठनी शुरू हो गई है। बात वही है ना, लेकिन वहाँ पे सच्चाई होगी, वहाँ देखा जाएगा। लेकिन पहले आप अगर हमारे भाई हैं और भाईचारा मानते हैं, गंगा जमनी अजीब माता है अजीब मानते हैं, तो फिर आप शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? आपको प्रेम से बोल देना चाहिए कि नहीं शुरुआत कर रहे हैं, ताजमहल से कर रहे हैं आप, ताजमहल लीजिए उसको तोड़वाइए, और कुतुब मीनार तोड़वाइए, लाल किला और आगरा फोर्ट, ये सब ये सब तोड़वाइए पहले। प्रूफ है, प्रमाण है, सारे प्रकार से प्रमाण निकल रहे हैं, आज सर्च निकल रहा है, तब भी आप ये भी नहीं मानते कि वो आक्रांता बनाया वो तोड़ दीजिए ना, मस्जिद रहने दीजिए, बाकी सब तोड़ दीजिए। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो आक्रांता ही थी, मान लिया तो उन्होंने जो जो बनाया वो तोड़ लीजिए। उन्होंने तो फोर्सफुली बनाया था ना, उन्होंने फोर्सफुली ताजमहल भी बनाया था, कुतुब मीनार भी बनाया था, लाल किला भी बनाया था, आगरा फोर्ट भी बनाया था, और न जाने कितने किले बनाए थे। आप देखिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मोहम्मद साहब आप लाल किले की बात कर रहे हैं, आप ताजमहल की बात कर रहे हैं, ताजमहल और लाल किले से किसी धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती, ये क्यों नहीं बताते आप? प्रीति जी आप पूछिए कि ये लाल किला और ताजमहल की बात कर रहे हैं, क्या किसी की भावनाएं आहत होती है इनसे? बिल्कुल, ये लेंगे हम, इस पर जवाब लेंगे। ताहिरा जी का रुक कर ले, काफी देर से वेट करी। ताहिरा जी यहाँ पर किस तरीके से देखती है, क्योंकि जो पहले आक्रांताओं ने किया अब उसमें सुधार होना चाहिए। आप कहते हैं आप बैठ के खबर पास
थोड़ा गया भाई, जब कोर्ट में है सब जूडिस है, मेरे समझ में नहीं आता मामला। सब जूडिस है तो ये कोर्ट में ही डिसाइड किया जाएगा ना, ऑनरेबल कोर्ट ऑनरेबल जजेस डिसाइड करेंगे, हिस्टोरियन आगे आएंगे और वो डिसाइड करेंगे, है ना। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये इस तरह, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें इस तरह की बातें डिवाइसिव पॉलिटिक्स करना ठीक नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए। क्या कोर्ट से पहले सब कुछ पता चल गया? अभी तो वीडियोग्राफी किसने देखी है बताइए? बिल्कुल किसी ने वीडियोग्राफी नहीं देखी है। अगर किसी ने लीक किया तो उसके खिलाफ कोर्ट बोला है। तो जब कोर्ट इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, और फिर हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड भी है हमारे यहाँ, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड में जाएगा केस। अगर यहाँ नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट है दो लोगों में, तो वहां जाएगा दो कम्युनिटीज में, तो वहां उन पार्टीज का जो भी आएगा वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड की बात माननी पड़ेगी सबको। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इंस्टीट्यूशंस को काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे? पहला सवाल ये है। आप जो जो चाहिए, ताजमहल भी तोड़ेंगे तो वो भी जाएगा, उससे रेवेन्यू कितना मिलता है? और लाल किले पे तो हर प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण देता है। तो भाई ये सब चीजें कोर्ट में जाएंगी, हिस्टोरियन बैठेंगे, ये दर्ज होता है, फैक्ट्स में होता है, कोई कहानी थोड़ी है। कंचन जी, फैक्ट पर बातें होनी चाहिए। अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन किस जिस तरीके से यहाँ पर दावा कर दिया जा रहा है कि अब शिवलिंग है, अब हमें ज्ञानव्यापी परिसर सौंप दीजिए, वहां पर मुस्लिम पक्ष की एंट्री बैन कर दीजिए, ये क्यों? पहले तो पूरे कोर्ट की सुनवाई पूरी होने दीजिए, जवाब दीजिए कंचन जी। वो तो लास्ट वाला पैनल है ही, वो तो लास्ट की सीढ़ी हमारी है ही जो हम चढ़ गए, वो तो है ही, तभी किया गया। लेकिन यहाँ अगर भाईचारे की बात, तो फिर आज की बात को फिर बंद कर देना चाहिए, ये कहना ही बंद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर भाईचारा भी चलता है, यहाँ पर हम लोग भाईचारा मिलकर के रहते हैं। विदेश में फिर ये संदेश नहीं जाएगा कि भारत में हम सब लोग बहुत इकट्ठे होकर के रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, भाईचारे गंगा जमनी वाली तहजीब फिर खत्म हो जानी चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए किसी को। सारा कुछ भारत भारत में भी किसी का कॉन्फ्लिक्ट होता है कोर्ट में जाती है, क्या कोर्ट बंद हो जाएगा?
वो तो हुआ भाई, ये सब लोकतंत्र हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशन है इनको बंद करने की बात बिल्कुल यहाँ पर है। बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट के फैसले का इंतजार अभी किया जाना चाहिए और इतने पुख्ता तौर पर अभी तक, क्योंकि किसी ने ना रिपोर्ट को देखा है ना वो रिपोर्ट बाहर आई है, तो उस जिस हिसाब से दावे वादे किए जा रहे हैं वो अभी नहीं होने चाहिए। एक धैर्य यहाँ पर जो है सभी दोनों ही पक्षों को बनाए रखना चाहिए और कोर्ट की जो सुनवाई चल रही है उस पर थोड़ा भरोसा रखते हुए इसका इंतजार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई जरूर हुई, मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष इसमें रखा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी और वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो 3 याचिकाएं लगाई गई हैं उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर अब जो है पहले जो पूजा की इजाजत मांगी गई थी अब वो मालिकाना हक में जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है और मालिकाना हक यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक पक्ष जो है वो मांग रहा है। उस पर क्या फैसला आएगा, उसके बाद कोर्ट का इस पर क्या आगे रुख रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।